अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आसिम ऑलराउंड इन्फो हब। आज हम आपको छोटी सी बात के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे चैनल की हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। कामयाबी क्या है? कामयाबी को लोग दुनिया की दौलत और हशमतो जाह से ताबीर करते हैं। ये अकले नफ्स की कामयाबी तो हो सकती है मगर असल और मुकम्मल कामयाबी नहीं। असल और मुकम्मल कामयाबी ये है कि आपका दिल पुरसुकून हो, आपका दिल मुतमईन हो और आप अपने दोनों परों यानी जिस्म और रूह के साथ परवाज कर रहे हों और दुनिया और आखरत दोनों में कामयाबी मद्देनजर हो, ना कि सिर्फ दुनिया की कामयाबी और दुनिया की लालच और दुनिया की दौलत और हशमत और जाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल तुअसिरून अलहयात अद्दुनिया वल आखिरतु खैरुम वअबका, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। अब आते हैं कामयाबी के राज वाली बात की तरफ। कव्वा वो वाहिद परिंदा है जो परिंदों के बादशाह उकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों की दुनिया के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चूंच से उसकी गर्दन पर काटता है, जबकि कव्वे से कहीं ज्यादा ताकतवर उकाब कव्वे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कव्वे की उड़ान उतनी ही मुश्किल होती जाती है और बिलाखिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से गिर जाता है। आज से आप उन लोगों की वजह से परेशान होना छोड़ दें जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। आपकी परवाज के सामने आसमान खुला हुआ है, अपनी उड़ान को अल्लाह के भरोसे पर ऊंचा करते जाएं तो बहुत सी रुकावटें खुद ही दूर हो दी जाएंगी। अपनी ताकत परिंदों के बादशाह उकाब की मानंद मुस्बत कामों में सर्फ करें। अपनी परवाज की कुव्वत को जान लीजिए, यही कामयाबी का राज है। अपनी परवाज की कुव्वत को जान लीजिए, यही कामयाबी का राज है। शाही तेरी परवाज से चलता है जमाना, शाही तेरी परवाज से चलता है जमाना, तू और भी इस आग को बाजू से हवा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आसिम ऑलराउंड इन्फो हब।